इस वीडियो का टॉपिक होगा लावा ब्रेस प्रो। इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट, प्राइस मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में और इंडिया में। यहां पर इसकी 100% ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच कर लेनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल के लुक्स के हवाले से। लुक्स आपके सामने, मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ यहाँ पर, ये देख सकते हैं लुक्स आपके सामने है, जाहरी बात है ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कुछ मजीद इसके बारे में। बेसिकली ये एक बजट मोबाइल है, यहाँ पर ज़्यादातर ये इंडिया में अवेलेबल होता है, पता नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ये कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, इंपोर्टेड मोबाइल की कैटेगरी में आ जाएगा, मैं इस वजह से आपको शुरू में बता दिया, पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होगा, इंपोर्टेड मोबाइल की कैटेगरी में हो सकता है ये मोबाइल आ जाए। बट ये एक एंट्री लेवल मोबाइल है, मुझे काफ़ी बेहतर लगा अपनी प्राइस के हिसाब से, इस वजह से मैं सोचा कि वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूँ। क्योंकि वैसे पाकिस्तान में आएगा तो नहीं, हमें इतना ज़्यादा खास मतलब होना नहीं चाहिए इस मोबाइल से, बट फिर भी ज़रा हमें देखना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड किस किस्म का मोबाइल आ रहे हैं और हमें पाकिस्तान में किस प्राइस में ओप्पो और वीवो वाले मोबाइल दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर लें प्राइजिंग की। सबसे पहले प्राइजिंग इसकी पाकिस्तान में अगर होता तो क्या प्राइजिंग आती, देखें लगभग कहा जा रहा है कि 31,000 इसकी प्राइजिंग अगर अगर यूरो से कन्वर्ट किया जाए तो डायरेक्ट 31,000 पाकिस्तानी रुपीस में प्राइस आ रही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं आ जाऊँ इंडियन लॉन्च डेट के ऊपर। देखिए इंडियन लॉन्च डेट मुझे कुछ कन्फर्म नहीं है कि इंडिया में ये मोबाइल आ गया है या नहीं आया या फिर आ जाएगा, बट मैंने एक दो लोगों को अभी देखा है कि अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी यूट्यूबर। मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि ये इंडिया में कब आ रहा है, बट प्राइस कहा जा रहा है कि 9,000 रुपये होगी इसकी। यहाँ पर तो यूरो से कन्वर्ट की मैंने प्राइस तो लगभग प्राइस आई है मेरे पास कुछ 10,300 के करीब करीब प्राइस आई है इंडियन रुपीज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या स्पेसिफिकेशन है। बेसिकली एंट्री लेवल मोबाइल है, 4G मोबाइल है, ये अनाउंस किया गया ये कल मींस के 20 सितंबर को, और 6.52 इंचेस का यहाँ पर स्क्रीन मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सिंपल LCD डिस्प्ले है विद 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट, 720p पैनल मिल जाएगा, मीडिया टेक का यहाँ प्रोसेसर मिल जाएगा, हिलियो G37 12 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर है। यहाँ पर मेमोरी कार्ड की हम बात करता चलूँ तो डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा मेमोरी कार्ड का, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज और 50 MP का मेन सेंसर। और यहाँ पर दूसरे कैमरास कुछ अनकन्फर्म है तो उनकी स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है। 8 MP का सेल्फी कैमरा, साउंड भी हमें मिल जाएगा लाउड स्पीकर मोनो, और 3.5 mm जैक, ब्लूटूथ 5.0, टाइप सी 2.0, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में, 5000 mAh बैटरी। कलर हैं इसके गोल्ड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, ये कलर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। वैसे पाकिस्तान में आएगा तो नहीं, बस मैंने ऐसी वीडियो बना दी कि लोगों को अपडेट कर देना चाहिए किस किस्म के मोबाइल आ रहे हैं इंटरनेशनली, ठीक है, या ये एशियाई मार्केट्स में किस किस्म के मोबाइल आ रहे हैं। आई होप सो वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो के मुतालिक कोई सवाल आपके जहन में रह गया और मुझे कमेंट्स कर पूछना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्क्रीन मेरा चैनल भी आ चुका है, वीडियोस भी आ चुका है, मजीद अपडेट रहने के लिए आपने चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लेना। ओके okay?